हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भिंडी के पौधे को कैसे लगाएं अपने गमले में। तो दोस्तों आप यहाँ देख ही सकते हो कि हमने जो है भिंडी की नर्सरी तैयार कर ली है, इसको ये लगाने के लिए बिल्कुल अब रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख ही सकते होंगे हमने इसमें अपने मिट्टी वो प्लास्टिक की बाल्टी जिसमें नर्सरी तैयार की हुई हमने, इसमें हमने पानी डाल दिया था जिससे मिट्टी मुलायम हो जाए और हमको पौधे लगाने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों आप देख ही सकते होंगे हमने यहाँ पर गोबर की खाद और मिट्टी ली है जो दोनों को मिक्स कर लिया था। दोस्तों यहाँ पर देख ही सकते हैं कि काली मिट्टी हमारे पास बन गई है जो कितनी उपजाऊ मानी जाती है, कितनी गार्डन अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों चलिए आगे दिखाते हैं हम जहाँ पर लगाने वाले हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख ही सकते होंगे ये हमारे जो गड्ढे हैं हम इन पर भिंडी लगाने वाले हैं। ये जो गड्ढे हमने तैयार कर लिए थे खोद के पहले से ही, जो हमने इसे थोड़ा सा हल्का हल्का पानी डाल दिए जिससे अंदर की मिट्टी जो है मुलायम हो जाए। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो इसी तरह गड्ढे आप छोटे से खोद सकते हैं 3 या 4 इंच के। तो यहाँ पर दोस्तों देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी भिंडी है कुछ लगी हुई है, क्योंकि हमने पहले जो भिंडी लगाई थी कुछ पौधे सूख गए थे कीटों की वजह से, वो खा डाले थे। दोस्तों यहाँ पर जो जो जगह खाली थी हमने उनमें दोबारा से भिंडी लगाने का ट्राई किया है। दोस्तों आप देख ही सकते होंगे आप इसी तरह से पहले गड्ढे खोद लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, 3-4 फीट का मतलब 3-4 इंच का गड्ढा खोल लीजिए, उसमें आराम से आपकी भिंडी लग जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी भिंडी जो कितनी बड़ी हो चुकी है। चलिए दोस्तों अब हम लगाते हैं आगे चल के भिंडी को। तो दोस्तों हमको यहाँ पर क्या करना है, जो हमारी मिट्टी है और गोबर की खाद जो मिली हुई है यहाँ पर हमको हल्का हल्का से यहाँ पर नीचे डाल देना है गड्ढों में। तो दोस्तों यहाँ पर गड्ढों हल्का हल्का डालने के बाद थोड़ा थोड़ा हमको ये जो है भिंडी के पेड़ जो पौधे हैं इन्हें पानी डाल दिए थे हमने पहले से ही, तो ये पौधे जो हैं मुलायम हो चुके हैं जो आसानी से निकल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख ही सकते होंगे जो है आसानी से निकल चुके हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी जड़ जो है यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो दोस्तों इसी तरह आपको पहले से पानी डाल देना है और पौधों को इसी तरह आप आराम से निकाल लेना है। चलिए दोस्तों इसको हम लगा देते हैं। तो दोस्तों इसको आप ऐसे बीच में पकड़ लेना है और डंडी को पूरा नीचे तक डाल देना है और इसको पूरा गोबर की खाद से इसको ढक देना है। ढकने के बाद इसको हम शाम को पानी देंगे, इस जो तभी हमने इसमें क्योंकि शाम को तभी पानी देंगे क्योंकि हमने इसमें पहले से नीचे पानी डाल दिया था, कोई दिक्कत ना आए इसलिए हम शाम को पानी देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा भिंडी पौधा है कितनी अच्छे से आराम से लग चुका है। चलिए एक और पौधे को हम लगा देखते हैं। तो इसमें मिट्टी पहले से डाल चुके हैं। चलिए एक पौधे को हम ऐसे पकड़ के आराम से निकाल लेते हैं, आसानी से इसकी जड़ें वड़े ना टूटें और आराम से निकल आए पौधा। दोस्तों यहाँ पर देख ही सकते होंगे ये भी जो हमारा दूसरा पौधा है ये भी अच्छे से निकल चुका हुआ है और इसकी जड़ें जो हैं ये आराम से निकल आई हैं। चलिए दोस्तों इसको हम लगा देते हैं यहाँ पर, उसी तरह इसको भी लगा देते हैं ऐसे, इसको नीचे पकड़ के इस पत्ती से ऐसे ऊपर को पकड़ के हल्का सा और हमको गोबर की खाद को ऐसे डाल देना है। दोस्तों यहाँ पर देख ही सकते होंगे डालने के बाद जो है हमारा पौधा कितने आराम से अच्छे से लग गया है। आप इसी तरह बराबर से अच्छे से बीचों बीच डाल दीजिए जिससे पौधा जो है आराम से लग जाए और कोई दिक्कत ना जाए पौधे के तने को या जड़ को, क्योंकि जड़ अगर टूट जाएंगी आपकी तो पौधा जो है चल नहीं पाएगा, सूख जाएगा। इसलिए आपको पहले से पानी डाल देना है उसमें आपको नर्सरी में कि पौधे उखाड़ने में आपको दिक्कत ना जाए। दोस्तों आप देख ही सकते होंगे हमारे पौधा जो कितनी आसानी से लग चुका हुआ है। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं इसी तरह सभी पौधों को लगा देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख ही सकते होंगे हमारे हम जो यहाँ पर सारे पेड़ जो हैं भिंडी के लगा दिए हैं। तो दोस्तों आप ऐसे ही अपने घर में या गार्डन में अपने गमलों में इसी तरह अपने भिंडी के पेड़ जो हैं लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख ही सकते होंगे कि हमारी जो पहले से भिंडी यहाँ पर काफ़ी लगी हुई है वो काफ़ी बड़ी बड़ी से हो चुकी हैं और उनमें फूल वगैरह भी कुछ आने लगे हैं। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ देख सकते होंगे फूल वगैरह फल जो है यहाँ पर आने लगे हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप अपने घर में ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, वो भी सब्जी आराम से आप महीने में हफ्ते में आप बना के खा सकते हैं तोड़ के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।